नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। त्यौहार एक ऐसा पर्व जो हिंदू मुस्लिम चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब का हो, वो अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ मनाना चाहता है। उसके इस खुशी में कोई गम का माहौल ना हो, वो अपनी इस खुशी को अपने परिवार की सुरक्षा के साथ मनाना चाहता है। अगले आने वाले दिनों में यानी 11 सितंबर से मुहर्रम शुरू हो रहा है, तो वहीं 13 सितंबर से गणपति पूजा भी शुरू हो रही है। इस त्यौहार के मौके पर सुरक्षा को लेकर मुंब्रा पुलिस ने बैठक की। बैठक में इस त्यौहार को लेकर चर्चा हुई। शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए इस त्यौहार को अपील की गई। वहीं इस मौके पर डीसीपी स्वामी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। मुहर्रम और गणपति त्यौहार एक साथ में आ रही है, तो इसमें जो है बंदोबस्त क्या है पुलिस डिपार्टमेंट का? देखिए, कैसा है कि अभी पहले जो है वो दही हंडी है, उसके बाद जो है वो मुहर्रम का 11 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, फिर 13 तारीख को गणपति स्टार्ट हो जाएगा और गणपति का प्रतिष्ठापना होगा, और बाकी 20 तारीख को विसर्जन है और 23 तारीख को विसर्जन है। तो ये जो सब त्यौहार जो आए हैं, एक 11 तारीख से लेकर 23 तारीख तक पुलिस अपना अपना जो बंदोबस्त है बंदोबस्त अच्छे से करने वाली है। अभी मीटिंग लिया हुआ है, लोगों को बताया है क्या करना है, कैसे करना है, लोगों ने पूरा सहकार्य दिया है और आगे भी लोग देंगे। और मुमरा जो है पहले जैसे था वैसे ही मुमरा के सब लोग जो है वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बाकी सब कोई भी धर्म के लोग हो, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी। और जो है वो हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन से एरिया में कहाँ गणपति बैठता है, कहाँ मुहर्रम है, कहाँ बंदोबस्त देना है, तो वही हिसाब से पूरा मैक्सिमम बंदोबस्त रहेगा। और जहाँ पे भी बाकी सब डिपार्टमेंट से हमने कोऑर्डिनेट किया हुआ है, तो वो कोऑर्डिनेशन से जो भी सुविधाएं देना है बाकी लोगों को वो भी सुविधाएं हम देंगे। ट्रैफिक का कोई इश्यू होगा तो वो भी ट्रैफिक के आजू बाजू की जो व्हीकल्स है वो भी व्हीकल्स निकाल देंगे। जहाँ पे विसर्जन का ये होता है तो वो जो आशुरा का दिन हो या फिर विसर्जन का दिन हो गणपति का, वहाँ पर भी जो घाट है वो घाट का जो कुछ बातें रहती है हमेशा की तरह, वो भी वहाँ पर घाट क्लीन रहना चाहिए, रास्ता अच्छे से रहना चाहिए, वो भी मैक्सिमम देखेंगे। बाकी मैं सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे गणपति और मुहर्रम का ये है फेस्टिवल, दोनों जगह नज़दीक है, प्रोसेशन का एक रूट है, तो वहाँ पे कमान जो है, कमान अगर लगाना है तो बहुत ऊंची जगह कमान लगाना पड़ेगा, वो भी पुलिस की परमिशन से लगाना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको कहीं पताका वगैरह लगाना है वो भी पुलिस की परमिशन से लगाना पड़ेगा। विदाउट पुलिस परमिशन जो रूट है जहाँ से मुहर्रम के लिए भी ताबूत और पंजे जाते हैं और गणपति का भी रूट है, तो वहाँ पर किसी को भी वो ये नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, अड़थड़ा नहीं आना चाहिए, तो वो हिसाब से हमको करना है। तो इसलिए पुलिस का परमिशन ले लो, लोकल लोग भी उसमें पुलिस जाके विजिट करेगा और विजिट करने के बाद जो है हम सब जगह देख के सब करके वो परमिशन देंगे। तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने वो एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे गणपति मंडल के बहुत सारे लोग थे, यहाँ पे शिया कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सब लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, नगर सेवक थे, यहाँ पे जितने भी बाकी सब आला नागरिक थे, तो उन्होंने सब ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई दिक्कत होगी और ऐसा कोई भी समस्या नहीं आएगी, बट जो है वो बंदोबस्त काफ़ी पैमाने पर रहेगा और उसमें स्ट्रांग बंदोबस्त रहेगा। तो और ये सन फेस्टिवल जो है अच्छे से, ये साउंड जो लाउड स्पीकर के बारे में, इसका इसके लिए कोई टाइम लाइन है? नहीं, देखिए वो जो हमेशा की तरह रहता है 10 बजे, कुछ दिन 10 बजे है, कुछ दिन फेस्टिवल के दिन में 12 बजे तक है, तो वो जैसे जैसे 12 बजे तक का टाइम अगर होगा तो वो हम बताएंगे वैसा कि 12 बजे तक टाइम है, जिस दिन 10 बजे तक होगा वो 10 बजे तक बताएंगे कि 10 बजे तक टाइम है। डीसीपी स्वामी ने बताया कि इस फेस्टिवल के दौरान कमान या पतंगे लगाने के लिए पुलिस से परमिशन लेनी होगी, बिना परमिशन के आप नहीं लगा सकते। लाउड स्पीकर बजाने पर कहा कि ये हम बाद में तय करेंगे कि लाउड स्पीकर 10 बजे तक बजाना है या 12 बजे तक बजाना है। वहीं इस बैठक में मौजूद डीसीपी स्वामी, एसीपी रमेश धूमल, सीनियर इंस्पेक्टर किशोर पासलकर, इनके अलावा सिया कम्युनिटी और कई गणेश पंडाल के सदस्य मौजूद थे। तो देश और दुनिया के तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए प्रहार टाइम्स।